तो जब भी आपका बर्ड सर पर हो रहा था ना, तो उसको ये चीज़ें ज़रूर खिलाना, ठीक है। जैसे कि आप खिला सकते हो भाई बादाम, ठीक है, और बाजरे में सरों मिक्स करके खिला सकते हो, और एक सिरिंज ना आप इनको तेल की भी दे सकते हो, सरसों के तेल की, ठीक है। हफ्ते में 2-3 बार आप सरसों का तेल भी पिलाओगे तो वो भी बढ़िया रहता है इनके लिए, परों के लिए। सर अपने चूज़े तो नीचे ले गए, दूसरे सच पट्टे, ठीक है, और पट्टियाँ, तो इसको भी ले चलते हैं आज नीचे। कल भी मैंने इसको नीचे नहीं खोला, कल सारा दिन ऊपर रहे हैं, तो आज इसको 2-3 घंटे ना नीचे लेके चलते हैं और आराम से इसको देखते हैं, क्योंकि पट्टा इसको यार भगाता है मादी को, ठीक है, क्योंकि अभी ये कुड़क थी ना तो ये डरती है उससे, तो पट्टा इसको भगाता है, इसलिए मैंने इसको अभी खोलता नहीं परमानेंट नीचे ही। और एक बार ही थोड़ा सा चूज़ा और थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसको नीचे ही खोला करेंगे फिर पक्का। तो भाई यार अभी मैंने देखा था पूरा इतना, ठीक है, ढूंढ रहा था मैंने, कहाँ गए, इधर कहीं नहीं थे बच्चे, तो ये निकले हैं भाई उस साइड से, ठीक है, 2 आ गए हैं, बाकी बड़ा पट्टा भी अभी पता नहीं कहाँ है, उसी साइड जाके देख के आता हूँ। और पट्टियाँ भी गायब है, वो छोटी वाली दोनों तो है, वो रही गमले के पास दिख रही है हल्की सी, वो देखो निकली, ठीक है, तो ये तो आ गया, बड़े वाले को देख के आता हूँ अभी वो कहाँ पर है। तो मैं इस पट्टे की बात कर रहा था, ये भगाता है अपना देसी ना इसको मादी को, ये भगाता है बदतमीज, अभी से डर खुलता जा रहा है ना इसका धीरे धीरे, तो ये ना चौड़ा होता जा रहा है, तो इसको बाहर ही रखूँगा, पट्टियों को करूँ अंदर और इसको करूँ अंदर, वरना ये भगाता रहेगा अंदर इसको, तो देखो कैसे हो रहा है अभी चौड़ा। चलो उधर ही, तो इसको ही अंदर ले जाता हूँ, चलो चलो। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब लोग, उम्मीद करूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो आगे एक और न्यू ब्लॉग के साथ, कल यार मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, कल तबीयत थोड़ी सेट नहीं थी, चेहरे से पता लग रहा होगा आपको अभी भी, ठीक है, तो आज बना रहा हूँ। तो बर्ड्स वगैरह नीचे खोल दिए हैं बच्चे वगैरह, ठीक है, चूज़ा भी खोल दिया अपना, तो अभी फ़िलहाल तो इनसे बचाना होता है चूज़ों को मेन, तो ये देखो मादी तो लेटने में लगी पड़ी, अभी देखना चूज़ा भी लेटेगा, अभी ये भी शुरू हो जाएगा धीरे धीरे एकदम से। चले चूज़ू हो जाए शुरू, तू भी, ये भी लेटेगा भाई, मेरे को तो लगता है यार पट्टी है ये भी, बाकी देखते हैं अभी क्या हुआ क्या नहीं। जो अपनी यार वहाँ पे इसकी बहन की जो छोटे चीने के साथ अपना बच्चा है ना, वो भी पट्टी निकल गई वहाँ पे, पर पट्टी में भाई क्वालिटी बहुत ज़्यादा, कल मैंने देखी थी पकड़ के वो, जब मैं शाम को गया था उधर, बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है यार। तो लो भाई देसी कर दिया बाहर, बाकी पट्टियाँ कर दी अंदर, और चूज़े वाली भी अंदर है और अपना काला बच्चा भी, ठीक है, पर देसी है बाहर। तो भाई यहाँ पे चीनने की तैयारी लग रही है, तो उड़ारियाँ लगाई थी, थक गया देखो, तो वाइट लेग वाले की तो लगा के छोड़ दी है, ठीक है, तो अभी इसको थोड़ा सा धूप में बंद करें ताकि थोड़ा सा ये सेट हो जाए। भाई क्या शाइन मार रहा है ना अपना वाइट लेग वाला, तो बस गर्दन के जाल रह गए यार इसके, दुम भी आ गई देखो ऑलमोस्ट, ठीक है, बड़ी होती जा रही है दुम, और पट्टों पर तो हाथ लग रहा है इसलिए नहीं आ रहे, बाकी गर्दन के जाल रह गए इसके, पूंछ आ रही है बस यार, जल्दी जल्दी से सर पर हो जाए ना, ताकि यार ये अपनी पूरी पावर लगा सके शौक में, है ना, तो अलग ही मज़ा है। तो झाड़ में जब होते हैं ना थोड़ी कमजोरी रहती है, तो अभी तो खुराक खा रहे हैं उस चक्कर में, मतलब ठीक रहते हैं। जब भी मतलब बर्ड्स आपके क्रीज में होते हैं ना, जब झाड़ में होते हैं, तो उस टाइम पर ना वो लोग कमजोरी में आते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपने जो पर वगैरह निकालते हैं ना, उसको निकालने में ना सारी अपनी जान लगा देते हैं उस टाइम पे, इसलिए ना जब बर्ड्स कुरीज में से निकलता है और लोग शौक करवा देते हैं ना, तो वो फिर कुछ नहीं कर पाता, तो इसी की वजह होती है थोड़ी बहुत, वो भी कि वो झाड़ के टाइम पे ना कमज़ोरी में आ जाते हैं, ठीक है बर्ड्स। तो ये चीज़ एक नोटिस करना आप लोग, कि झाड़ के जब पूरा लेस हो जाता है ना एकदम, बर्ड पूरा सर पर हो जाता है, उसके बाद ना एक हफ्ता या 15-20 दिन ना उसको थोड़ा सा बादाम वगैरह खिला दिया करो, अगर आपको शौक वगैरह करवाना होता है उसका। तो अभी तो हम लोग तो इसको इनको रेगुलर खिला रहे हैं ना, इस करके हम लोग को इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा इनका, ये झाड़ में भी आ रहे हैं, तो ये उतनी ताकत लिए जा रहे हैं बादाम से, 40-40, 50-50 बादाम खा रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो आप लोग भी ट्राई किया करना, अगर क्रीज़ में होता है और आपको लगता है कि क्रीज़ के बाद आपको शौक करवाना है, तो 15-15, 10-10 बादाम उनके रेगुलर में रखो, ठीक है। बाकी तो यार बस ये जल्दी जल्दी से क्रीज़ पूरी कर ले, तो फिर आपको पता है इनको जैसे कि अपने को इनको लेके भी जाना है ना शो के लिए, तो क्रीज पूरी होएगी अच्छे से, तभी ये अपना 100% दे पाएंगे, वरना यार हम तो अपना 100% इन पे लगा रहे हैं, पर ये लोग अपना 100% नहीं दे पाएंगे ना जान की वजह से, और जो हवा नहीं बन पाएगी इनके पल्लों की वजह से, तो उस चीज़ की वजह से, ठीक है। तो
देखते हैं बाकी क्या होगा क्या नहीं। ठीक है तो वही तीन चीनी की अपनी पूरी तैयारी लग चुकी है। ठीक है तो बाकी उसे भी हो गया टाइम थोड़ा सा धूप में, तो उसको भी निकालते हैं और चीनी को उसमें बंद करते हैं थोड़ा टाइम के लिए। तो हो गया भाई मस्त चीनू अपना छोटा चीनू भाई। इसकी पट्टी की बात कर रहा था मैं, बहुत ज़बरदस्त बना रखी है ये। जो अपनी क्वीन के साथ है वो तो है ही भाई, बाकी जो अपनी काले नोके वाली की पट्टी है ना, जो अपनी चिटियाँ पट्टियाँ हैं जो उसके जो इसके साथ मैंने पहले लगा रखी थी, आपने देखी तो होगी, जिसमें एक ही बच्चा बना था, मतलब तीन बच्चे बने थे एक बच्चा उसमें से। ठीक है बहुत ज़बरदस्त पट्टी बनी हुई है वो भी भाई। ये देखो क्या धागा तोड़ने लगा पड़ा है, बदतमीजी कर रहा है। तो दोस्तों अभी इनको ना हम बादाम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यार बादाम ये नखरे कर रहे हैं इस टाइम पे। शाम को हम लोग देते हैं ना जब पूरा मस्ती से खाते हैं। ठीक है तो अभी थोड़ा थोड़ा सा इनको बाजरा खिला रहे हैं, इसको भी लगा दिया, अपने वाइट लेग वाले को भी लगा दिया। ठीक है ज़्यादा नहीं खिलाना, इतना सा खिलाना है कि शाम तक ये हजम कर ले, उसके बाद पानी रख देंगे। तो आज बारी है भाई फिर से अपने छोटे चीने की, क्योंकि उसको अभी इतनी फिर तो नहीं देनी है हमको, क्योंकि वज़न उसका हो गया है भाई तकरीबन 3.5 किलो के पास लेके आ गए हैं भाई। उसका वज़न 5 किलो से बहुत सही हो गया फिर भी। बाकी ये देखो मुर्गे की आवाज़ सुन के वहाँ चला गया, ये नहीं कि दाना खा लूँ। छोटा चीना लेके जाना है उसके साथ, फिर अपने को ये मादी लेके जानी होती है, इसको खोल देते हैं। चलो भाई चल तू भी उधर चलो, इसको दाना नहीं दिखेगा कोई नहीं है। चल चल लगे जा, दाना दिखूगा तेरे को। चलो आप लोग मेरी बात को याद रखना, जैसे कि मैंने बोला ठीक है, जब भी आप बर्ड मतलब आपका सर पर हो रहा होता है, अगर आपको उसके सर पर होते ही आपको लगता है कि उसके अगले वीक आपको शौक करवाना है, तो मैंने जैसे आपको बोला ना भाई उसको बादाम देते रहा कर 10-5 जो भी आपका मन करे, 5 से ऊपर ही देना, 5-10 जितना भी आपका मन करे, ताकि यार उसमें ना जो थोड़ी सी ताकत है ना वो बनी रहे। ठीक है तो बाकी आपकी मर्जी है देना नहीं देना, वो तो मैंने आपको बस बताना था। तो बाकी यही थी अपनी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ये वीडियो इतनी जल्दी मैं खत्म इसलिए कर रहा हूँ, मैंने कहा चलो आज ही डाल देता हूँ, क्योंकि कल मैंने वीडियो बनाई नहीं थी जो आज डालनी थी, तो इसको अभी डाल दूँगा एडिट करके, और जो कल डालनी होगी उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना लूँगा। ठीक है।